भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के कमाल के आगे कंगारू खेमा पस्त हो गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 26 रनों से हरा दिया। बारिश के बाद संशोधित लक्ष्य 21 ओवर में 161 रन का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 21 ओवर में केवल 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से स्पिनर यजुवेंद्र चहल को 3 विकेट मिले तो हार्दिक पांडे और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट हासिल हुए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को 1-1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए तो वहीं वार्नर 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संभल कर नहीं खेल सका और नतीजा ये रहा कि 26 रन से ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके 11 रन पर 3 विकेट गिर गए। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 79 और युवा हरफन मोला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने 83 रनों की अर्धशतक पारियां खेलते हुए मेजबान टीम की साख बचाई। भारतीय टीम ने धोनी और पांड्या के प्रदर्शन के दम पर 7 विकेट के नुकसान पर 281 रनों का टारगेट रखा, जिसे बाद में 21 ओवर में 161 का कर दिया गया और नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया 26 रन से इस मैच में हार गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को पल पल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब।